पहले और यहाँ आने के बाद कौन कौन से जो कंफ्यूजन थे स्टडीज को लेकर अब्रॉड स्टडीज को लेकर आपके दिमाग में जो यहाँ आने के बाद क्लियर हुए? मैं यहाँ आने से पहले काफी डाउटफुल था कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, फ्रॉड वगैरह थोड़ी है करके मैं ऐसे डाउटफुल था। फिर बट जब यहाँ मैं पहली बार फर्स्ट टाइम आया तो मैं काजल मैम से मिला, फिर उनके थ्रू मैं बहुत सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मुझे मिली एडमिशन के थ्रू, मतलब एडमिशन अब्रॉड के लिए। फिर बाकी फिर ट्रस्ट हुआ मुझे, मतलब फिर उनके बाद मैं पर्सनली मैम से मिला, फिर उसके बाद मैं पेरेंट्स को मैम से मिला, फिर सारी चीजें ट्रस्ट आया मुझे। ठीक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि रूपेश ने आपको बताया तो शुरू में मतलब ट्रस्ट ऐसा हुआ होगा कि मतलब कौन है, किसे बात किया ऐसा करके। फिर जब आप बात किए और मिले मैम लोगों से, तो जो ट्रस्ट था उसमें कैसा डिफरेंस था और कैसा लगा बात करने के बाद? पहले तो मेरे को भी नया डाउट था कि कैसे होंगे, क्या है, ये सच में है कि नहीं ऐसे करके। फिर जब हम लोग यहाँ आए ना तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ वो है करके, अच्छा लगा यहाँ आने से। और पूरा जितने भी डाउट था वो सब क्लियर हो गया, अब कुछ डाउट नहीं है।